यमुनानगर में इन दिनों गुंडों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है, तभी वे बिना पुलिस के डर के ही दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जगाधरी में सामने आया। यहां रंगदारी के नाम पर 50,000 की रकम ना देने पर बदमाश युवक ने धारदार हथियार लेकर व्यापारी के घर पर ना मिलने पर उसकी पत्नी और बच्चे पर ताबड़तोड़ वार किए और चलता बना। वारदात की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन जब बदमाश वारदात को अंजाम दे रहा था तो तब कोई भी व्यक्ति बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। बाहर से झाड़ू काट रही सी जी, मैनू कह रहे पैसे दे, कहना मैं सब तो पैसे हफ्ता लेना, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं, कहना तेरे घर वाला कितने है, मैं कहा मेरे घर वाला है नहीं जी, मैं बाहर गया, कहना तू देते नहीं पैसे, कहना मुझे अंदर जान दे, मैं कहा मैं अंदर नहीं जान दी, कहना जान नहीं देती, तो मेरे नाल दी नाल चाकू मारन लग गया जी, बेटा हटाने लग गया बेटे दे लगे, पहला तो 20 कह रहा, फिर कहना 50,000 दे, कहना नहीं मैं अंदर जा रहा, मैं मेरे पास पैसे कहाँ से आए, कहना मैं तो सब तो मंगदा हफ्ता, कहते एक तो नहीं सारिया दुकाना वाले तो मंगता, जोड़ा नहीं दू उन्हू मार दिना। ये अपने लड़का यानी कि यहाँ बनवासी दिखाता है जी, आके यानी कि फिरौती मांगता है, 50,000 की फिरौती मांगी, कहते मुझे 50,000 दो, नहीं मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब रात को यानी कि आया भेज दिया ऐसे भी, चलो कोई ना सवेरे आ जाइए, सवेरे सवेरे क्या आया कि बहू को यानी कि हमारे भतीजे की बहू को मारने लग गया, भी हमें फिरौती चाहिए, 50,000 चाहिए, काटने लग गया। बाजार वाले डरते हैं सब इससे,